हेलो, क्या मिजाज हैं आपके। वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो कंटेंट है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आज का कंटेंट है, मैं आपको स्टोरी बताऊंगा कि हम जा रहे हैं, मैं मेरा अबू, हम जा रहे हैं दोनों करबला। करबला नजफ से करबला जाएंगे पैदल, और इधर से तो हम नजफ जाएंगे एरोप्लेन में। और मैं अभी आपको स्टोरी बताऊंगा, और जो पैकिंग करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हो सके जो पैकिंग करेंगे वो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊं, और इस व्लॉग में आपको मैं वीडियो दिखाऊं, मैं मतलब स्टोरी बताऊंगा। ठीक है, तो जी स्टोरी कहाँ से शुरू करा। तो जी शाम का वक्त था और मैं, मेरा बड़ा भाई, उससे छोटा भाई, अमीजान वाले सब बैठे थे। तो जी हम सब बैठे थे साथ इकट्ठे, और हम बातें कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे। तो जी अबू भी आ गया, और अबू ड्यूटी पे था तो आ गया अबू। तो अबू जैसे आया तो जी हमने सलाम किया, तो सलाम का जवाब मिला। तो जी तो थोड़ा बैठा अबू, तो बोला भाई मैं जा रहा हूँ चैलम पे करबला। तो जी अबू ने बोला मैं जा रहा हूँ चैलम पे करबला। तो जी भाई ने बोला कौन साथ जा रहा है आपके। तो जी अबू ने बोला कि मेरे साथ अरमान चलेगा। तो मैं खुश हो गया। तो जी मेरा जो मेरे से बड़ा भाई है, उसने बोला, उसने एतराज़ किया इस बात कि भाई मैं चलूँगा, शौक तो मेरा है, तुम तो अरमान को कैसे लेके जा रहे हो। तो भाई 2 दिन गुजर गए इस बात को। तो तीसरे दिन या चौथे दिन भाई ने एतराज़ किया हुआ था। तो 2-3 दिन गुजर गए, तो अभी हमारे को पासपोर्ट बनवाने थे जो कि हमारे एक्सपायर हो गए थे। और हमारे तो बने तो हो गए थे लेकिन एक्सपायर थे। मैं जब छोटा था तो हम करबला गए थे, और मैं आपको जो पहले वाला पासपोर्ट था उसकी भी वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि मैं टकला हूँ, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और जी ये देखें, फोटो तो अच्छी है लेकिन आपको नजर नहीं आएगी। तो जी आपने फोटो भी देख लिया, तो ये मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, तो नया बनवाना था। तो अबू का भी एक्सपायर हो गया था, तो मैं और अबू गया ऑफिस, तो बनवाना था, तो हम देख के आए। तो 60-7 हज़ार रुपये फीस थी उनकी 10-12 दिन के बाद। तो जी पासपोर्ट भी आ गए हमारे पास। तो भाई जो है, जिस भाई ने इतराज़ किया था कि मैं भी आपके साथ चलूँगा, अरमान भी चले लेकिन मैं भी आपके साथ चलूँगा, हमने वीज़ा पे अप्लाई किया तो हमारा हो गया। तो अभी हम कोरोना की वैक्सीन भी लगवाएंगे, और मैं आपको दिखवाऊंगा। और हमारे फ्लाइट जो है वो अभी 3-4 दिन के बाद है, और पहले थी 23 को, 23 सितंबर, और अभी हो गई है 25। तो देखते हैं आगे भी हो या पीछे हो, ये तो कंफर्म तो नहीं है, लेकिन अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन अभी बोल रहे हैं 25 को। तो इंशाल्लाह 25 को ही हम जाएंगे, और अभी हम पैकिंग भी करेंगे, वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अगले ब्लॉग पे। इस ब्लॉग पे मैंने आपको कहानी बतानी थी, तो जी कहानी हम मैंने बता दी आपको। तो अबू ने बोला ठीक है चलते हैं, फिर हम पासपोर्ट वासपोर्ट देख के आए, वीज़ा हो गई, टिकट आ गई, सारा हो गया। तो ये मतलब 15-20 दिन के मतलब अंदर ही ये सब कुछ हुआ, और हमारी तैयारी भी हो गई। तो जी
और एक माजरत करना चाहता हूँ आपके साथ कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वीडियो थोड़ी मेरी लेट आ रही है, अभी थोड़े काम भी हैं घर के, तो इसलिए थोड़ी वीडियो है थोड़ी लेट आ रही है। अभी समथिंग एक हफ्ता हो गया है मैंने वीडियो नहीं डाली हुई यूट्यूब पे, तो जी आज डालूँगा वीडियो यूट्यूब पे, और इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। और आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, और तभी के लिए भाई को इजाज़त दें, बाय बाय।